अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव सीन द एंड ऑफ ईयर एग्जाम सिलेबस एंड द टाइम टेबल बाय नाउ। दोनों चीज़ें गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो चुकी हैं एंड नाउ ऑल द आइज आर ऑन यू गाइस। सारी उम्मीदें अब हमारी तुम लोगों से हैं। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे अच्छे नंबरों से। सर का नाम रोशन कर दो थोड़ा सा बस। इंशाल्लाह इन दिस वीडियो वील बी लुकिंग एट द मैथ सिलेबस and we will also talk about the topics of paper 1 and paper 2, paper 1 ke marks, paper 2 ke marks, unke time durations, and we will also discuss about the types of questions. thoda sa tips aur tricks bhi tum logo ko de deta hu taaki tum logo ki thodi si pareshani kam ho jaye. as far as the paper is concerned, to paper centralized hai, to difficulty level jo hai wo thoda sa zyada hi hoga, to uske liye pehle se mentally prepare ho jana, uske liye tumhe thodi si practice zyada karni padegi. bas topics tumhare samne hai, there are 11 topics in total, और ये काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। हम तो दुआ कर रहे थे कि एक दो टॉपिक्स जो है वो कम हो जाते तो तुम लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाती, लेकिन दिस इज़ नॉट द केस। और टाइम टेबल भी तुम लोगों ने देख लिया, मैथ्स का पेपर 1 जो है वो 16 मई को है एंड द पेपर 2 इज़ ऑन 27 मई। और काफ़ी सारे बच्चों का क्वेश्चन ये था कि सर व्हाट आर द टॉपिक्स ऑफ P1 एंड P2। तो यार बुरी खबर ये है कि P1 और P2 के सारे टॉपिक्स यही हैं। ये जितने 11 टॉपिक्स तुम्हें नज़र आ रहे हैं ना, ये P1 के भी हैं और ये P2 के भी हैं। तो इसका मतलब है कि तुम्हें ये सारे 11 टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 16 मई से पहले भी, और फिर 27 मई को जब तुम्हारा P2 है तो उससे पहले भी तुम्हें जो है वो ये सारे 11 टॉपिक्स की जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि 11 टॉपिक्स की दो दो बार प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स जो है वो अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द टॉपिक्स। थोड़ा सा टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। और एज़ फार एज़ द पेपर 1 इज़ कंसर्न, पेपर 1 80 मार्क्स का तुम्हें पता है, ठीक है। और 80 मार्क्स के लिए यू हैव 2 आवर्स। कैलकुलेटर इसमें अलाउ नहीं है, तो ये पेपर तुम लोग के लिए वैसे ही चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि तुम लोग का माइंड सेट जो है वो कैलकुलेटर पर बहुत डिपेंडेंट है। तो कैलकुलेटर के बगैर जो है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर करोगे तो फिर यू विल बी एबल टू सॉल्व पेपर 1, वरना फिर पेपर 1 की परेशानी जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, आपको सारी वर्किंग शो करनी पड़ती है। अगर आप पहले से जो है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे, पहले से आपने वो प्रैक्टिस नहीं की होगी, तो फिर ये पेपर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पेपर 1 में जो है वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो मैं तुम लोगों को यहाँ जो है वो मेंशन कर दूं कि अभी ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है, ठीक है। अब तक की इन्फॉर्मेशन में ऐसा है कि उन्होंने 2 आवर्स जो है वो लिखा हुआ है, तो उसका मतलब है कि तुम्हारा P1 जो है ना वो 80 मार्क्स का ही होगा। लास्ट टाइम जो है ना कोविड की वजह से ऐसा हुआ था कि P1 जो है वो 40 मार्क्स का हो गया था और P2 जो है वो 60 मार्क्स का हुआ था, लेकिन अब हमें उम्मीद है कि चूंकि थिंग्स आर नॉर्मल नाउ और उन्होंने टाइम ड्यूरेशन भी 2 आवर्स लिखी है हेड ऑफिस वालों ने, तो तुम्हारा पेपर जो है ना वो 80 मार्क्स का ही होगा P1, और P2 जो है वो 100 मार्क्स का होगा। लेकिन जैसे ही इन्फॉर्मेशन कोई भी आएगी और तो मैं इंशाल्लाह तुम लोग को अपडेट कर दूंगा। अभी बस इस वीडियो में इतनी बात कर लेते हैं कि जो टॉपिक्स है ना, कौन कौन से टॉपिक्स की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो वो देख लो इंशाल्लाह। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं तुम्हें ज़रूर इंशाल्लाह अपडेट करूंगा। तो P1 80 मार्क्स, 2 आवर्स, नो कैलकुलेटर इज़ अलाउड। P1 में जो टॉपिक्स है ना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो नंबर्स है। नंबर्स में हमने ये देखा कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविशन ऑफ डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि जनरल मैथ्स है, ठीक है ना, जो कि जनरल मैथ्स है, जो कि तुम लोग काफ़ी अर्से से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करनी होती हैं, तो इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, रेशियो, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एस्टिमेशन, परसेंटेजेस, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारी चीज़ें दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ नंबर्स, और ये जो है ना बगैर कैलकुलेटर के तुम्हें जो है वो सॉल्व करनी पड़ेंगी। और ये पेपर 1 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 10 मार्क्स जो है ना, कम से कम 10 to 15 मार्क्स जो है ना वो नंबर्स से बनेंगे। तो आउट ऑफ 80 मार्क्स जो है ना, 10 से 15 मार्क्स जो है तुम्हारे नंबर्स के बनेंगे। तो नंबर्स की तुम्हें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो नंबर जो है ना वो P1 में ही आता है, P2 में उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है क्योंकि P2 में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो ये सारी चीज़ें तो कैलकुलेटर से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, तो इसलिए ये P2 में नहीं आते। तो ये P1 में वो देता है ताकि तुम्हारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो चेक कर सके कि मैथ्स तुम्हारी कैसी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है तुम्हें पता है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में हमारे पास साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस है, जिसमें एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड तुम्हें आना चाहिए। ये बिल्कुल पेपर 1 का टॉपिक है क्योंकि इसमें कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। और फिर जो है जब तुम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से अपनी इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, उसके बाद तुम्हें चेकिंग मेथड भी आता है, तुम वापस चेक भी कर सकते हो कि तुम्हारे एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो सही हैं कि गलत हैं। लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब है कि साइमल्टेनियस सोल्यूशन में तो 2 वेरिएबल्स होते हैं ना, एक्स और वाई,
तो लीनियर इक्वेशन में जो है वो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल होगा और आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, मतलब टू यहाँ प्लस हो रहा है तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, आपकी इक्वेशन में बस एक वेरिएबल होगा। सिंप्लीफिकेशन एंड एक्सप्रेस इन सिंगल डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है जिसमें हम एलसीएम लेते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर वन का, ये लाजमी इसका क्वेश्चन आता है। सब्जेक्ट मेकिंग, मतलब फॉर्मूले का आपको सब्जेक्ट चेंज करने के लिए दे देगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन एक्सपेंशन भी आती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस की, लीनियर एक्सप्रेशंस की भी जो है वो एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन आती है कॉमन लेने वाला तरीका, तो ये सारी चीज़ें अलजेब्रा का पार्ट है। इसके सारे क्वेश्चंस जो है ना, मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि पास पेपर से प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से, पिछले 20 सालों में जितने पास पेपर में अलजेब्रा के क्वेश्चंस तुम्हें मिले हैं सबकी प्रैक्टिस कर लो इंशाल्लाह, तो तुम्हें जो है ना वो पेपर में परेशानी नहीं होगी। इसी तरह नंबर्स भी जो है वो तुम पास पेपर से ही प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारे पास जो है वो टॉपिकल पास पेपर हैं तो वहाँ से जो है इन दोनों टॉपिक्स की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर पेपर वन। ये पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट है, P2 में इनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, P2 में अलजेब्रा तो आ जाता है लेकिन नंबर्स जो है वो P2 में नहीं आता। उसके बाद थर्ड टॉपिक इंडाइसेस है, इंडाइसेस और स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी भी तैयारी तुम पास पेपर से ही करना ठीक है, क्योंकि अब बुक सॉल्व करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं है, पास पेपर से इंडाइसेस के सारे क्वेश्चन जो है वो तुम सॉल्व कर लेना। मैंने भी जो है वो काफ़ी सारे पास पेपर सॉल्व करके जो है वो उनके लिंक्स जो है तुम्हारे साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर किए हैं, टॉपिक्स के हवाले से टॉपिक्स लिखे हैं, फिर उसके नीचे जो है मैंने वीडियोस शेयर किए हैं, तो उसको भी लाजमी सॉल्व करना, वहाँ तुम्हें इंडाइसेस के काफ़ी सारे पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे, तो वहाँ से तुम हेल्प ले सकते हो। इनइक्वालिटीज़ तुम्हें पता है, इनइक्वालिटीज़ में लाइन जो है पहले इक्वेशन लिखते हैं फिर उसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, अबव अगर होती है हमारा रीजन अबव द लाइन होता है तो ग्रेटर देन होता है, बिलो द लाइन होता है तो लेस देन होता है, अगर लाइन जो है वो बोल्ड लाइन होती है तो इक्वल्स टू का भी साइन आ जाता है, अगर लाइन जो है वो डॉटेड होती है तो इक्वल्स टू नहीं आता। तो ये जो सारी चीज़ें थी इनइक्वालिटीज़ में, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें पेपर वन में आती हैं क्योंकि उसमें कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। मैंने तुम्हें इनइक्वालिटी की एक वर्कशीट दी थी जो तुमने असाइनमेंट के फॉर्म में सॉल्व किया है, और हमने रीइन्फोर्समेंट वर्कशीट्स में भी थोड़ा सा जो है वो एक दो क्वेश्चन इनइक्वालिटीज़ के दिए हैं, तो उनकी लाजमी प्रैक्टिस करना। बाकी इनइक्वालिटीज़ जो है वो तुम्हें D4 में मिल जाएगा, D4 का ये चैप्टर नंबर 1 है मेरे ख्याल से, तो ये इनइक्वालिटीज़ तुम्हें वहाँ से मिल जाएंगी। ग्राफिंग तुम्हें जो है वो D4 में मिल जाएगी, और जो सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी है वो तुम्हें D3 में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 3। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस, ये भी पेपर वन में पूछा जाता है, ये पेपर वन और पेपर टू दोनों में पूछा जाता है, लेकिन ये है कि पेपर वन में जो है वो इसकी जो है वो परसेंटेज ज़्यादा होती है, क्योंकि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस में आपको प्रूफ करना होता है, कॉन्ग्रेंस में आपको प्रूफ करना होता है, उसमें कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिमिलैरिटी में आपको वेरिएबल्स एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो यूज़ करनी होती है, सॉरी यूज़ कह रहा हूँ सॉल्व करनी होती है बाय मेकिंग द कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पेपर वन में आ सकती हैं। वेरिएशंस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये बिल्कुल पेपर वन में आ सकते हैं, इसमें इक्वेशन बनाना, जो के की वैल्यू निकालते थे वो सारी चीज़ें जो है वो वेरिएशन में देखना, वेरिएशन भी पास पेपर से कर लो तो काफ़ी हो जाएगा। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंस का ये है कि पास पेपर में इसके क्वेश्चन जो है ना तुम्हें कम मिलेंगे, मैंने भी सॉल्व करके काफ़ी डाले हैं गूगल क्लासरूम पे, देखना तो उनकी भी ज़रूर ट्राई करना, और फिर अपने पास पेपर में भी देख लेना, अगर कोई क्वेश्चन मिसिंग है वहाँ से मिल जाए तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लो। मेट्रिसेस हमने अभी रिसेंटली किया है, मेट्रिसेस बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसकी वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है, ये भी 6 to 7 मार्क्स का अगर आ गया तो आ गया। मेट्रिसेस में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखा है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स देखा है। एप्लीकेशन ऑफ मेट्रिसेस में अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा वैल्यूज़ मुश्किल होती हैं, तो मे बी पॉसिबल वो P2 में आए, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही होती है कि मेट्रिसेस जो है वो पेपर वन का ही टॉपिक है और ये पेपर वन में ही आता है। मेंसुरेशन की बात करो, मेंसुरेशन जो है वो प्योरली पेपर टू का टॉपिक है, लेकिन पेपर वन में इसके जो है वो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक स्फेयर दे दिया और बोला कि स्फेयर का वॉल्यूम निकालो या सरफेस एरिया निकालो, कोन दे दिया उसका बोला कि भाई इसका सरफेस एरिया निकालो, वैल्यूज आसान आसान सी दे दी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए दे दिया मेंसुरेशन में, जैसे हमने स्लांट हाइट देखी थी कि अगर ट्रू वर्टिकल हाइट और रेडियस दिया हुआ है तो स्लांट हाइट कैसे निकलती है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे। तो इस तरह के आसान से क्वेश्चन जो है वो मेंसुरेशन के बिल्कुल आ सकते हैं, और ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी है मेंसुरेशन की वो P2 में है, क्योंकि वहाँ कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ता है, जैसे हमने जो है वो आर्क लेंथ वगैरह, एरिया ऑफ सेक्टर यूज़ किया था, उसके फॉर्मूलाज देखे थे हमने, तो वो सारे वहाँ कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी थी। तो मेंसुरेशन जो है उसकी P1 में पॉसिबिलिटी कम है, अगर आया भी तो 6 to 7 मार्क्स का आएगा बस, लेकिन P2 में ये ज़्यादा आएगा। और लास्ट जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री P1 में जो है उसकी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, ग्रेडियंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें हमने बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व की थी,
और अगर तुम कहो कि डिस्टेंस फॉर्मूले में सर हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो आप बगैर स्क्वायर रूट के जो है वो अपने आंसर को छोड़ दो, तो वो भी एक्सेप्टेबल है बगैर कैलकुलेटर के जो है, जैसे अंडर रूट जो है 13 आंसर आ रहा है तो आप वही लिख के छोड़ दो तो वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। और इसके अलावा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए y=mx + c का फॉर्मूला यूज़ होता था, उसमें हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ता था और वाई इंटरसेप्ट निकालना पड़ता था। पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनका ग्रेडियंट सेम होता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो है ना वो P1 की हैं, P2 में जो है वो एस सच मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि आपको जो है वो दो लाइंस दे दी जाएंगी, इक्वेशन दो इक्वेशंस दी जाएंगी लाइंस की, और फिर आपको बोला जाएगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। तो दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना इसकी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी जो है वो P1 की है, मे बी पॉसिबल P2 में भी एक सवाल इसका आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ये P1 का ही टॉपिक है, ये P1 में ही पूछा जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस भी जो है वो पास पेपर से ही कर लेना, पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ग्रेडियंट किस तरह निकलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस कैसे निकलता है। तो एक ही सवाल में जो है ना वो तीन चार पार्ट्स में ये आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, इक्वेशंस बनाना, पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से, काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डाली हुई है तो वहाँ से तुम रिवाइज भी कर सकते हो, पास पेपर के क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं सॉल्व करके तो वो भी देख सकते हो तुम। तो P1 में ये सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए, नंबर्स, अलजेब्रा, इंडाइसेस, इनइक्वालिटीज, सिमिलैरिटी एंड कांग्रेस, वेरिएशंस, मैट्रिसेस, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तकरीबन ये सारे टॉपिक ही आ गए। बस मैंने यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री हटा दी और मैंने ये जो है वो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है यहाँ से मैंने हटा दिया है, क्योंकि ये प्योरली जो है इसमें वर्ड प्रॉब्लम जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ होता है, तो वो जो है वो P2 का टॉपिक है, वो कैलकुलेटर के बगैर नहीं सॉल्व हो सकता। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, तो वो जो है बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होते। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन जैसा हमने असेसमेंट में आपको दिया था कि मे बी पॉसिबल वो साइन, कॉस और टेन की वैल्यू जो है वो आपको दे दे और बोले कि भाई फाइंड द मिसिंग साइड, तो वो जो है 2 या 3 नंबर का जो है वो आपके पेपर 1 में बिल्कुल आ सकता है। तो पेपर 1 80 मार्क्स का है और पेपर 2 जो है वो 100 मार्क्स का, तो इसका मतलब है रिपीटेशन काफ़ी होगी इसमें। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स P1 के भी हैं, P2 के भी हैं। बस P1 में ऐसा होता है कि ऐसी आसान सी वैल्यूज़ आती हैं और जो आप बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व कर सको, तो P1 जो है उसमें ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट चेक हो जाता है, क्योंकि आपको बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना पड़ता है, तो उसमें पैनिक भी बच्चा काफ़ी करता है। और फिर P2 की बात कर लेते हैं जल्दी से। P2 जो है वो 100 मार्क्स का है, 2 आवर्स 30 मिनट्स इसका टाइम है, कैलकुलेटर इसमें अलाउ है, तो कैलकुलेटर अलाउ होने की वजह से यहाँ बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अलजेब्रा की पॉसिबिलिटी P2 में थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं आता ये 4 to 5 मार्क्स का आ जाएगा, लेकिन यहाँ फ्रैक्शंस जो है ना, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना, ये P2 में आ जाता है। इंडाइसेस बहुत कम पूछा जाता है P2 में। स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चंस जो है ना वो P2 में आ सकते हैं, जैसे जो है वो एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना, 10 to the power -4 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -6, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे ना जो स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो तो P1 का टॉपिक है, वो P1 में ही पूछा जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए और परसेंटेजेस हो गई, परसेंटेजेस आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा परसेंटेजेस का P1 में, अगर ज़रा मुश्किल हुआ तो वो फिर P2 में ही आता है। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रेंस का जो है क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। असल में 100 मार्क्स का P2 है ना, इसकी वजह से जो है कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट करने पड़ जाते हैं, वरना P2 कैसे बनेगा। फिर वेरिएशंस हमने डिस्कस कर लिया, वेरिएशंस में जो मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वगैरह आ रहा होगा, तो वो फिर P2 में आ जाएंगे। उसके अलावा मैट्रिसेस में मैंने बता दिया, वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आई मुश्किल वाली तो वो P2 में आएंगी। मेंसुरेशन तो P2 का टॉपिक है पूरा, तो मेंसुरेशन जो है वो तो एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, आर्क लेंथ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, और ये एरिया पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें देखो a+b π की फॉर्म वाले जो हमने क्वेश्चंस क्लास में किए थे ना, a+b π वाले जो फॉर्म के क्वेश्चंस है ना वो P1 में आ सकते हैं, लेकिन जो है जिसमें वैल्यूज़ निकालनी है एग्जैक्ट, तो वो जो है P2 में आएंगे। और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री P2 की है, ट्रिग्नोमेट्री में एलिवेशन, डिप्रेशन और पाइथागोरस थ्योरम P1 में आ सकता है, लेकिन वो एलिवेशन, डिप्रेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एप्लीकेशन जो है वो फिर P2 में ही आती है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड प्रॉब्लम्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये देख लेते हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरा जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता था वो P2 में ही आता है। और सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखा हुआ है यहाँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड में वही होता था जिसमें हम जीरो प्रॉपर्टी यूज़ करते थे, पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते थे। तो फैक्टराइज के लिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड हो गया या कॉमन हो गया, और उसके बाद फिर आइदर
बोथ द ब्रैकेट्स इक्वल टू जीरो करके बारी बारी हम जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स की या वेरिएबल की वैल्यूज निकालते थे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एज सच कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन यह कि तुम्हें फिर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर पता हो तो आप जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स में मैंने आपको एक ट्रिक ये बता दी थी कि अगर आपसे इक्वेशन नहीं बनती तो फिर आप आगे के पार्ट सॉल्व कर लो, मतलब आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो एक्स और वाई की जो आगे वो बोले, स्पीड डिस्टेंस वगैरह निकाल लो, तो उससे ये होगा कि आपके फिर 3 मार्क्स कटेंगे, बाकी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो है फिर सवाल पूरा मत छोड़ो, क्योंकि इसमें जो है वो बेवकूफ़ी है पूरा सवाल छोड़ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सबको ही आता है, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी, इंशाल्लाह जो है जैसी कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसी कोई नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहेगी मैं इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। तो तुम लोग जो है वो लाजमी चैनल को विज़िट करते रहना और अपनी जो क्वेरीज हैं वो लाजमी मेरे साथ शेयर करते रहना, ताकि मैं जो है तुम लोग को गाइड कर सकूँ। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट जो है वो कर देना, ताकि मैं उसका जवाब दे दूँ, बाकी सारे बच्चे भी वहाँ से पढ़ लें और तुम्हारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए। तो आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। हमारी दुआएं तुम लोग के साथ हैं, बस मेहनत करते रहो और हिम्मत मत हारना और स्टे पॉजिटिव स्टे मोटिवेटेड। ईद का टाइम है, मुझे पता है रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल ईद भी ना मनाओ, ईद भी आप ईद भी मनाइए बिल्कुल, अपने रिश्तेदारों के घर भी जाइए, लेकिन यह है कि अपनी पढ़ाई जो है ना उसको बिल्कुल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। प्रॉपर टाइम दो, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, प्रॉपर प्लानिंग करो और अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करते रहो, ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि भाई वो कैसे पढ़ रहे हैं, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तो मिलजुल के जो है वो इस मुश्किल टाइम को जो है वो पास करो। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।